जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तारीख करीब आती जा रही है, वैसे वैसे उत्तराखंड कांग्रेस को झटके पर झटका लगता जा रहा है। उत्तराखंड कांग्रेस में इस्तीफे का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। चुनाव से पहले पार्टी के कई चर्चित चेहरे इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन अब आखिरी समय में एक और चेहरा इस लिस्ट में शामिल हो गया है और वो है उत्तराखंड प्रदेश महासचिव और कालाढूंगी से प्रत्याशी रहे महेश शर्मा, जिन्होंने कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। रविवार को देहरादून में बीजेपी कार्यालय में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली। कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र में लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता से जुड़ेंगे और इसी चुनाव में ऐसी स्थिति आएगी कि कांग्रेस के लोगों को पोलिंग बूथों पर कार्यकर्ता नहीं मिलेगा। मैं दो बातें आपसे कहना चाहता हूँ। हमारा कोई बार बार दल बदलना या दल में कुछ पाने के लिए, जैसे आपने कहा अभी, ऐसा कोई बात नहीं है। हम अपने कांग्रेस पार्टी जो हमारी आज तक रही है उसको संवारने के लिए हमने बहुत काम किया, लगातार प्रयास किए, लेकिन पार्टी निरंतर ऐसे निर्णय ले रही है कि पार्टी दिन पर दिन नीचे चले जा रही है। अभी हमारे लोकसभा का प्रत्याशी जिनको उन्होंने घोषित किया, वो हमेशा दिल्ली में रहते हैं। महेश शर्मा के साथ उत्तराखंड कांग्रेस के दर्जनों नेता और पदाधिकारी बीजेपी में शामिल हुए। जानकारी के मुताबिक महेश शर्मा नैनीताल सीट से प्रकाश जोशी को टिकट मिलने से नाराज थे, जिसको लेकर उन्होंने ये फैसला लिया। और माना जा रहा है बीजेपी नेता महेंद्र अधिकारी की चाणक नीति से महेश शर्मा बीजेपी में आए। ज्यादातर कालाढूंगी विधानसभा के लोग हैं, उसमें से विशेष रूप से महेश शर्मा जी जो 3 बार विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं, कांग्रेस से भी और निर्दलीय भी, उनके नेतृत्व में आज लगभग 60 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि वो दृढ़ता के साथ भारतीय जनता पार्टी में रहकर इस पार्टी को बल देंगे और आगे बढ़ाने का अपना योगदान देंगे। प्रदेश में चयनित कांग्रेस प्रत्याशियों को लेकर कार्यकर्ता लगातार नाराज चल रहे हैं, इसलिए इस्तीफे का ये दौर जारी है और इसका खामियाजा ये हो रहा है कि प्रदेश में लगातार कांग्रेस कमजोर होती जा रही है। ऐसा ही कुछ हरिद्वार सीट का भी है, जहां कार्यकर्ता चाहते थे मैदान में हरीश रावत आए, लेकिन वहां से उनके बेटे को टिकट मिला। अब कांग्रेस में लगातार चर्चित चेहरों के जाने से आगामी चुनाव में कांग्रेस को नुकसान होता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।